अस्सलामुअलैकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी और आप लोग देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज रोजा। सबसे पहले तो ईद उल फितर की खुशियाँ आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो और ये बहुत ही पुरमसरत मौका है। यहाँ पर मैं आप सबके लिए एक छोटा सा पैगाम लेकर आई हूँ। अगर आपसे आपके आसपास रहने वाले लोग या फिर अजीज़ रिश्तेदार या फिर कोई भी प्यारा नाराज़ है, खफा है, तो प्लीज़ उसको मना लें, क्योंकि ईद की जब हम बात करते हैं तो ईद फेस्टिविटी का नाम है, सेलिब्रेशन का नाम है, खुशियाँ बांटने का नाम है, मिलने मिलाने का नाम है। और हमारी भी इस प्लेटफॉर्म से यही कोशिश रहेगी कि हम बहुत सारी खुशियाँ बांटें। और अब ईद की खुशियों को दोबाला करने के लिए मैं शो के प्रोटैगनिस्ट को दावत दूंगी। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं रमीज रोजा। ये जो आपने ट्वर्ल लिया था ना, जी, फिर जी, से लेके दिखाएं जी, ये 12, 13, 14 सब आपने कर दिया। और दूसरी आपने बात की कि जो रूठे हुए उनको मना लो जी एट योर ओन पैरल, इसलिए कि फिर आपकी ईदी भी निकलेगी और आपको फाइनेंशियल झटके भी होंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि उनको नाराज रहने दें। वैसे थैंक यू, आपने कल मुझे ईदी दे दी थी। आज मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो ईद का दूसरा दिन होता है ना, ये एक ऑफिशियल दिन होता है ससुराल जाने का। इंटरेस्टिंग है, आप जाते हैं ससुराल? देखिए, मैं जो है ना, मेरी जो पीक थी ना ससुराल जाने की जी, वो अब ऑफ हो गई हुई है। अच्छा? मगर इसलिए कि फिर भी मैं जाता हूँ और जाता हूँ और कुड़ के आता हूँ। इसलिए कि वो अब मेरे ईदी देने के जो है ना, वो साल शुरू हो गए हैं। शुरू में मैं जाता था, मैं पकड़ा ही नहीं जाता था। मैं अपने आप को समझता था मेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट उस घर में कोई पैदा ही नहीं हुआ है। Really? मैं जाके रोप भी डालता था, पैंपर्ड मुझे करते थे कि कहीं नाराज ना हो जाए। अच्छा, ये तो आपने बात की कि जो न्यूली वेड कपल्स होते हैं, जिनकी नई नई शादी होती है, नए नवेले जोड़े अगर कहें तो गलत ना होगा, ये जो पुराने जोड़े हो जाते हैं तो फिर उनका क्या सीन होता है? आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। देखिए, उनकी जिंदगी को जिंदगी नहीं रहती है। सही बताया। इसलिए कि और ये सबसे ज्यादा तालियां उन्होंने बजाई है, मैं इनके साथ जो है बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि आपने बिल्कुल सही ताली बजाई। आप एग्री कर रहे हैं ना? बिल्कुल। देखे ना, वो टाइम पीक निकल गई तो निकल गई, निकल अब तो यही है कि हम वो शामिल वाजा होते हैं। अब हम ऑडियंस की जानिब चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी ईद किस तरह से गुजरती है, ससुराल कौन कौन जाते हैं और जेब खाली करा के कौन वापस। मैं आपके क्या तासुरात हैं और जो मैंने कहा उसके साथ आप इन सिंक हैं? सर, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं। सर, शुरू के और अब के हालात में जमीन आसमान का फर्क है, राइट? बिल्कुल 100% एग्री। सर, ये कुड़ते हैं आप या कि क्या करते हैं? सर, अब शुरू शुरू में जब वो बिल्कुल आपने अभी कहा, शुरू शुरू में तो और भगत होती है, लेकिन रफ्ता रफ्ता करते करते अभी इस पोजिशन में आ गए। आप तो फिर भी चार बाल, मैं तो वो भी चार बाल नहीं है सर। कई दफा तो ईद पे इग्नोर ही हो जाते हैं कि इसे भी जफ्फी डाल ली थी, ये बच गए। ये दें जी, जिनके अपना जबरदस्त सलमान खान जैसे डंड है। हाँ जी, मैरिड है आप जी, तो ससुराल जाते हैं ईद के दूसरे दिन? बिल्कुल जाते हैं, ईद के दूसरे दिन जाना लाजमी होता है। तो क्या जेब खाली करा के आते हैं सालियों से या नहीं? फिलहाल तो जेब खाली होती है, पिछले एक साल से तो खाली हो रही है। एक चीज डेफिनेटली होती है, क्या? ये जाते हैं, इनकी मूछे पहले ऊपर होती है, आप देखे नीचे आ गई, ये हुआ है। चले जी, अब हमारी ड्यूटी है, एक बहुत ही ऑनरेबल ड्यूटी है कि हम अपने गेस्ट को इनवाइट करेंगे। और मेरा पहला गेस्ट जो है खातून है और जबरदस्त उन्होंने ड्रामे में काम किया हुआ है, हर तरह के रोल कर लेती हैं, वैम्प से लेके और हीरोइन का, और बातें करेंगी और खूब करेंगी। सो इनवाइट करते हैं मोमिना इकबाल को। आपकी ईद कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। आप पे भी वैसे प्रेशर होते हैं गिव एंड टेक पैसे के हिसाब से? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन में सिर्फ इकट्ठी होती थी, अब जो हमसे छोटे हमें उन्हें भी देनी पड़ती है। अच्छा मोमिना, मेरा पहला सवाल, ईद से
से पहले कितनी देर लगती है शॉपिंग करने में, वो जो एक तैयारी होती है ईद की, चांद रात तक क्या तैयारी जारी रहती है या नहीं पहले हो जाती है कंप्लीट? लड़कियों की कोई भी चीज आपको लगता है पहले से हो गई होगी, वो एंड तक कोई ना कोई चीज रह जाती है। ये मैं आपको बताऊं, ये रह गया, ये इनको भी पता है, फिर भी सवाल किया इन्होंने। मैंने कहा शायद मोमिना, ये मुझे करना चाहिए जिसको पता नहीं है, तुम्हें तो पता है। मगर ये त्यौहार बड़ा खूबसूरत है, नहीं इसलिए कि देखे ना हर चीज होती है इसमें, मिलना होता है, फिर गुड विशेस होती हैं, आप कपड़े पहनते हैं, और मैं हमेशा समझता हूँ कि जो फैशन है ना exactly. अपने लिए तो खैर करता ही करता है, मगर ये लोगों को इज्जत भी हम देते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप जब प्रेजेंटेबल बन के सामने आते हैं ना तो हम आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें कभी भी झिझक मत कीजिएगा, क्योंकि आप दूसरों के लिए भी तैयार होते हैं और उनको आप इज्जत दे रहे होते हैं। अपने अगले मेहमान को बुलाएं, बिल्कुल बुलाएं। हमारे जो अगले मेहमान है वो मेरे लिए बहुत ज्यादा ऑनरेबल है और आई एम श्योर आप सबके लिए भी होंगे। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने बहुत फेम कमाया, पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया, कॉमेडी में उनका कोई सानी नहीं है। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार ठाकुर साहब। इलेक्शन जीत गए आप? मुझे खुशी हो रही है, मोमना जी जिनका मैं फैन हूँ उन्होंने भी सेम जानना चाहते हैं कि ईद का दूसरा दिन क्या आपके भी ससुराल में ही गुजरते हैं और जेब खाली होती है? क्या दुखती रख दिया हम पैदल आया करूं। मगर एक चीज है ठाकुर साहब, मूछ अभी भी ऊंची है आपकी। नहीं, मूछ मैं नहीं रखनी क्योंकि ये मेरी पहचान है। सही बात है, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। यस, बहुत सारे लोग मुझे बाजू का ट्रैवलिंग करते हुए अगर ये ऐसे हो जाए ना तो कई दफा ट्रैवलिंग में बंदे का भाई नहीं मूछते सही कर लो। जी, अब बुलाते हैं अपने अगले मेहमान को। अगर मैं अपने अगले मेहमान का तारुफ कराऊं तो पहले तो ने दसना चाहनिया कि मैं ये तो साख सकते हो कि देरे में जमी पली आते वक्त उन्होंने गाने सुन सुन के वरी थी यहाँ तो अरे सारा दी तालियां तशरीफ गेम के आने नदीम आवाज लूने वाला। वेलकम वेलकम। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, बहुत ही खूबसूरत आउटस्टैंडिंग सेट लगाया। मेहरबानी, वेरी गुड। इसके ऊपर सर बड़ी मेहनत हुई है सर, नजर आ रही है जितनी डेप्थ है इसके अंदर, और वो जो म्यूजिशियन वाला पोर्शन है वो मेरा फेवरेट है सर, बहुत ही खूबसूरत। मैं अभी पढ़ रहा था ये आपके जो निक नेम्स हैं वो भी जो हैं वो भी लाजवाब हैं, क्या निको है, काका, कद्दू। कद्दू कौन कहता है सर, पहले ये बताएं कद्दू कहाँ से लगते हैं आप? सर कद्दू मैं नहीं, अब तो नहीं खैर लगता, लेकिन जब मैं बहुत छोटा था ना जी, तो मेरी एक बहन है बड़ी सी, जो छोटी बहन है ना जी, वो मुझे उसको उसने उठाना होता था। अच्छा, उसको ना जी शटापू खेलने का बड़ा शौक था, तो वो मुझे उठा के ले जाती थी, उस वक्त इतना सा था, उस वक्त होगा गोल सा तो वो ना ईंटों का ना जी वो चूल्हा सा बना के जी, तो उसमें मुझे बिठा के तो कहती थी वे कद्दू जी आए थे बह। और वो छिटापू खेलती वो मुझे सिर्फ एक, वो मेरी सिस्टर जो कद्दू कहती थी, और बाकी निकू जो है ना जी वो मेरे एक चाचा हैं तोलंबा के अंदर, मौलाना तारिक जमील साहब के मोहल्ले के मेरे चाचा थे यासीन साहब, वो टीचर थे, उस वक्त मेरा कद छोटा था सर, वो मुझे कहते थे ओए निकू उरे, वो सारे काम मुझसे करवाते
वो मुझे मतलब छोटा जैसे होता है। जी सर छोटे जी सर। अच्छा आपकी ईद पे क्या मसरूफियत होती है, और फिर ईद के दूसरे दिन की अगर बात करें, क्या करोड़ों पाकिस्तानियों की तरह आप भी ससुराल में ईद का दूसरा दिन गुजारते हैं? नहीं बहुत, क्योंकि घर में इतना रश होता है। मैं ईद अपने वहाँ करता हूँ गांव में जी, तो सारा दिन। कौन सा गांव आपका? चिन्योट जी। चिन्योट जी, चिन्योट फर्नीचर का वो हॉलीवुड है जी। बिल्कुल कुन्ना भी ना। यस और कुन्ना भी। ईद पे मीठे लोगों से मिला के लेके आता हूँ। अल्लाह रहम करे। ईद मुबारक। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। कैसी है आज भी? तो मेरे तो वड्डी लगदी पई है। हां जी सही कह रहे हैं। क्या हाल है? माशाल्लाह ते दरवाजे ते लेला बने से उन्हें कुछ नहीं किया। लो जी रिलेटिव, आज तुम दोनों का बचना बड़ा मुश्किल है। रिलेटिव मैं ना दी ओहो हां ओ मैं शक पै रहे सी। ये मेरी बेगम है। माशाल्लाह जी तुहानू मुबारक होवे। खैर मुबारक। तुहाडे नाल तुहाडे घर जाके अफसोस कर लांगे। इनको शायद पता नहीं है कि 45 पिंडों का पार मेरी पग पे है। ताई पीली पै गई। हाय अल्लाह। इधरो कार बहू जी जी, मैं इनू नदीम नू कहंदी रही हां। अच्छा जी। केज अपने घर वालियां नू कहंदा रहा है कि गड्डी मैं मंगा दिना, तेल तू पवा दी। मैनू क्या, मैं तेन तेल पवा दांगी। हूँ अज पराडो लैके फिर रहा है, गड्डी भी अपने पैसों की, तेल भी आज पवा रहा। 60-70 रुपये लीटर से अज अज तुसी भी नहीं मनना इस गल। एक गल दस, मैं तेनू उदो भी कहती सी जो मैं तेरा दिल तोड़ के गई सी। उदो मैं खेड रहा सी थले। मैं नदीम भाऊ आपका बड़ा दिल से मशकूर हूँ। नहीं मेरी बात सुने। लेट मी कंप्लीट माय सेंटेंस। एटीट्यू लियारी दी शकीरा। मैं बड़ा मशकूर हूँ नदीम साहब आपका, आपने मेरे बारे में जो गाया है, माड़ा है ते माड़ा सही यार जो है, माड़े बंदे की आपने सही तारीफ की है। ए कुर्ता जड़ा पाया है ना चौधरी साहब ने, ए पिछली ईद दा मेरा कुर्ता छोटा करा के पाया है। माशाल्लाह। हाय अल्लाह। रमीज बाबू वो जामनी कुर्ते वाला मुंडा वेख रहे हो? हाँ जी। मैं कहनी जो ये पैदा होया सी ना, दी मां ने कहा सी हाय हाय मेरा पुत डॉक्टर बनेगा, प्यो ने कहा मेरा पुत इंजीनियर बनेगा, ते जिहड़ा पुत आ वो फेसबुक ते सिधरा डॉल बन के एंटरटेन कर रहा। लो जी ये जो मुंडा बैठा ना नौजवान, ये शो खत्म होने के बाद यही कहेगा बाहर जाके, देखा सबकी नजरें मुझ पे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या प्यारा चेहरा, बड़ी प्यारी बच्ची है मोमिना इकबाल। नेगेटिव कैरेक्टर कर करके आज पॉजिटिव वर्जन देख रहे हैं ना। तो वही कुड़ी आ जड़ी जिन्हों मोहब्बत हो जाए ना, ते पापी चुलो सॉन्ग भी इनू सैड ही लग रहा हूं। पापी पापी चुलो चुलो पापी पिंगामी पिंगामी, एक दिन छड़ जाना है जहान पिंगामी। पापी 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 चुलो पापी पिंगामी पिंगामी, एक दिन छड़ जाना है जहान पिंगामी। कोई अपना नहीं रमीज भाऊ ये क्या बात कर दी, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है इस गाने की। रात रफी साहब मेरे ख्वाब में आया, दो चपेड़े मारी के ठीक गाना मैंने याद किया है। सुनाए जी। सुनाए। चौधरी का चांद या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। मेरे
चौधरी ने ईद वाले दिन लाल धोती बनी, लग रहा है ना गैस वाला सिलेंडर। साहब और आप बताएं, आप लोग आ कहां से रहे हैं? हम आ रहे हैं जी, किसी को बताओगी तो नहीं? नहीं बताऊंगी, प्रॉमिस करो। प्रॉमिस? सच्ची सच्ची मुच्ची मुच्ची। मैं अपने ससुराल से। आप भी साहब? मेरे घर वाले दे नाम लेंदे तुहाडियां लत्तां क्यों कंब रहीयां ने? नहीं डरना चाहिए रमीज बहू, इनके घर जब जाता हूँ पहले दिन देते पालक, दूसरे दिन मेथी, तीसरे दिन साग, यानी कि चोरी और मज में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा। चोरी साहब आप रहते किधर हैं? हम अपनी औकात में रहते हैं। लो भाई ये गेम खेलते हैं इधर। ठाकुर साहब, या तो मैं आपके हाथ पे बैठ जाऊं या आप मेरे हाथ पे बैठ जाएं। बेहतर आप ही हैं। माशाल्लाह प्यारा बच्चा है नदीम बाद, सो टैलेंटेड भाई, आपकी आंखें बोलती हैं। अनलाइक यू खाउडी साहब। ये नहीं समझ आई, बड़ी हार्ड इंग्लिश है आपकी। गाना क्या गाएंगी? ले पलिए लोके मेरी याद में जो तू गाती थी ना जब मैं दुबई था, वो गाना सुना दे। वो दुबई वाला ही सुना दे ताकि तबाही हो जाए। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये एंटरटेनमेंट कंटिन्यू होगी। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं शो टाइम विद रमीज राजा, और ईद का दूसरा दिन है, फेस्टिविटी का नाम है, और जब मीठी ईद की बात होती है तो कैसे हो सकता है कि हमारे इतने खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं और उनका मुंह ना मीठा कराया जाए। अच्छा, इसमें दो चीजें जी। ये मुंह मीठा तो करेंगे, मगर आपने खास तौर पे ध्यान रखना है जी कि ये चूड़ियां जो है ना, ये ठाकुर साहब को प्रेजेंट नहीं करती। ये खातून के लिए हैं, जान ये मोमिना के लिए। हाँ, तो हाँ। आप ये भी क्लियर कर दें, और हमने वो समझे क्या इनको इग्नोर करके और हम आगे निकल गए। मुझे अगर चूड़ियां प्रेजेंट कर भी देते तो मैंने इन्हीं को ही देनी थी। मुझे लगा आप कहेंगे मैं बेगम के लिए लेके जाऊंगा। ये जरूर कहना सी सर। ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। ये कितना, ये वाकई प्यारा कलर है। खैर मुबारक, थैंक यू वेरी मच। ये भी इसको इसके साथ भी कॉन्ट्रास्ट में पहन सकती हो। मैं हेल्प करूं? 500 कैलोरीज आपने ले ली है। उठी ना जाए। मुबारक हो आपको। ब्लू वाली ट्राई कर सकते हो। वाह, आगे वेल डन। ब्यूटीफुल। साथ में ये ट्राई करो। अच्छा पहले ये एक मेरा खल काफी हो गया। ओके जबरदस्त, तालियां बजाएं। आप भी मुंह मोटा कर लें। एक ना फुटबॉल मिलता है बड़ा प्यारा बच्चों का, उसको ऐसे दबाएं ना तो हवा निकल जाती है, फिर छोड़ें तो भर जाती है। ऐसा मुंह है आपका। चले जी, अब सिचुएशंस की तरफ चलते हैं। सर एक आपको सिचुएशन मैं दूंगा, वन लाइनर। अच्छा, आपने अपनी संगत के थ्रू वो प्रेजेंट करनी है ये पिक्चर जो आजकल के पाकिस्तान में हो रहा है। ओके, रेडी हैं जी? इस ईद पर भी बच्चों ने करोड़ों रुपए का असला खरीद लिया। ईद आ गई, ओ पिस्तौल नहीं आया।
अच्छा जी अगला है जी, पंजाब में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। आज मौसम बड़ा ना खुशगवार है। वेरी गुड सर। अच्छा जी लास्ट है आपका जी, बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान है। लो है कि नहीं? बिल लगाया था बिजली पड़ोसी के लिए, बिल आ गया है बिजली का। बन गया रोग जिंदगी के लिए। वाह वाह वाह। बिल लगाया बिल लगी के लिए। ये वैसे बिल्कुल सही। वाह वाह। ये वापदा के लिए भी है। वापदा के लिए भी। नदीम अब्बास साहब कभी ये नहीं सोचा कि कोई ये गाना लिखो के मीटर तू लवा दे बिल मैं तरेनिया। चंगे भले हास खेड रहे से फिर बिजली बेच बात। जी अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने, जिसमें हम दिखाएंगे आपको आप ही की इंस्टाग्राम पिक्चर्स जो कि आप सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। इफ्तिखार ठाकुर साहब की तस्वीर दिखाई जाए, पहली पिक्चर। सर ये बताइए ना इस पिक्चर के बारे में। ये चल मेरा पोता है पहली फिल्म थी, और ये सोचकर ये बनाई थी फिल्म के मेरी जो बेटियां और मेरी बहनें जो घरों में होती हैं ना उनके पास कोई तफरी नहीं होती, कभी पांडे तो कपड़े तो अपने खसम तो। तो सर मेरे दिल की एक ख्वाहिश थी कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो हमारी बेटियां हमारी बहनें अपनी नानी अम्मा के साथ बैठ के भी देख लें। अरे वाह। घरों के अंदर मेहमान बैठे हैं, खाना चल रहा है, और एक ऐसी खूबसूरत मूवी लगी हो जिसमें बच्चों का भी इंटरेस्ट हो। ये कैरेक्टर खास तौर पे बच्चों को बहुत पसंद। तो सर ये बताएं तो सही कैसे एक जरा इसका मैं एक वाकया आपको सुनाऊंगा सर, मजा ना आवे पैसे वापस। जरूर प्लीज। ये सर इसका कानून है एक। हाँ जो इशारे का कानून है ना जी, रेड जो है वो 55 सेकेंड, अच्छा ग्रीन 55 सेकेंड, और येलो 7 सेकेंड। ये पूरी दुनिया का कानून। इसमें भी सेम कानून लागू होगा। वाह। कि आपको एक एक्शन में जो है ना जी 55 सेकेंड, वो 55 सेकेंड रहने और आंख भी नहीं झपकनी। उसके बाद जब येलो आएगा पोर्शन तो उसमें एक लाउड आवाज निकालनी। अच्छा। और उसके बाद आप एक्शन चेंज करेंगे। अब मैं ना जी ये इस तरह खड़ा हूं, एक फैमिली आई है, बीवी इधर खड़ी होगी, हस्बैंड इधर खड़ा हो गया, बच्चे को मेरे पैरों में बिठा दिया। मेरे एक्शन को 44 सेकंड गुजर करें, बाकी अब सेकंड रह गए थोड़े से, इधर खड़े हुए इधर खड़े हुए, किसी को कैमरा दिया, वो जब तक पीछे जाके तस्वीर बनाने के लिए गया मेरा टाइम हो चुका है। अब मैंने एक्शन चेंज किया, मैंने वो मियाँ बीवी बच्चा छोड़ के भाग गए। वो बच्चे को मैंने उठा के सीने के साथ लगाया। जितनी ऑडियंस थी ना जी वहां पे, ये बड़ी जबरदस्त जगह है सर बर्मिंघम की, बड़ा रश होता है, कम से कम 500 से 700 तस्वीर बनी होगी उस बच्चे के साथ। चलो फोटो ना तुझे छेड़ो पर थल्ले भी कम से कम 150 सिक्का डिग गया। ये जो है ना ये वो अभी हम आ रहे थे ना तो लारी अड्डे में बड़ा रश था, ये हॉर्न जबरदस्त बन सकता है लेटेस्ट। एक दफा और यही वाला। हाँ फिर से करके दिखाए ना। चले जी नेक्स्ट पिक्चर। ओए क्या पिक्चर है, किलर लुक है आपकी मोटर बाइक पे। सर जी एक खान साहब थे, वो ना ये जो रात को नहीं इधर नहर पे चलाते कनाल पे बाइकें, वो मुझे बार बार कह रहा था मुकाबला करो ना, चलो ना मैडम, आओ ना। अब मैं इस पोजीशन में नहीं था लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था, चलो ना मड़ा, क्या सोचने में पड़ गया, आओ ना। मैं क्या खान साहब अगर रेस करनी है ना तो बाइक से बाइक की होगी, जो हारेगा वो बाइक दे देगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अच्छा। वो शुरू हुए हैं जी, और ये जो ठोकर न्याज ठोकर का वो पुल नहीं है, वो पुल मैंने चढ़ाया घी जाके, मैंने ब्रेक मार के रिवर्स किया तो आया थे, मैं चलो ये उतर जीत गए। यस वाह क्या बात है। मोमिना मोमिना की पिक्चर्स जी बहुत ही वैसे खूबसूरत पिक्चर्स अपलोड करती है सोशल मीडिया पे, तो पहली पिक्चर दिखाइए जी। ये तो नॉर्मली यार,
मैं ग्रिफ्ट वाला सीरियल करी थी, वो तो बहुत शदीद नेगेटिव था, तो मैं रोज सुबह उठ के ये गार्डन बना हुआ था, तो मैं यहाँ जाके बैठ जाती थी मेकअप करवा के कि मुझे सांस लेने दो थोड़ी देर, उसके बाद फसाद शुरू करूंगी. ये कोई योगा का पोज लग रहा है या वैसे बैठी हुई थी? हाँ बस पोज करी. ओके नेक्स्ट पिक्चर. योगा. अरे वाह वाह खूबसूरत. नॉर्थन एरिया पिक्चर खूबसूरत है लेकिन है बुरे दिनों की. मोमिना ये मोहब्बत में कहीं नाकामी वाला सीन तो नहीं? वो रोज का काम है. नेक्स्ट पिक्चर. गमले से बच के तस्वीर. ओह माय गॉड ये है पिक्चर. सच अ गुड पिक्चर. इसको कहते हैं पिक्चर. एस्थेटिकली प्लीजिंग. क्या बैकड्रॉप है भाई, खूबसूरत पिक्चर. लियारी की ये मैं बहुत कुछ महीनों से काम कर रही थी कंटिन्यूसली, मेरा ऑफ नहीं आ रहा था. ये कराची की है. ठीक है. तो मैं एक एक संडे आया कि मैं सुबह तक ऐसे थी कि बस मुझे रेस्ट करना है, मुझे सोना है और ये वो. फिर एक टाइम आया मुझे लगा कि अभी बेड पे पूरा दिन गुजारना, चलो उठो. तो मैं अपने दोस्तों के साथ बीच पर गई थी, ये बहुत प्यारी जगह है फैमिली वाली, तो वहाँ पर मैंने ये पिक्चर बनाई थी. ब्यूटीफुल पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर जी. ये तो कोई दुल्हन वाली जो है ना लुक है. और पीछे में यार डाइट वाला पानी भी पड़ा है. डिटॉक्स वाटर मुझे अब नजर आया, पहले नहीं था. क्या जिंदगी में ये ख्वाहिश है कि रियल लाइफ में भी ब्राइट बनो, दुल्हन बनने का होता है ना लड़कियों को शौक कि ज्वेलरी पहने, लहंगा पहने, या चलो वैसे ही शादी जरूरी भी है एक लिहाज से, तो क्या ख्याल है शादी के बारे में? जब शादी होगी वो तब की बातें हैं. अच्छा अभी इरादा नहीं लगता? नहीं अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा इरादा नहीं है. लेकिन मतलब जितना हम लोग दुल्हन बनते हैं ना, मुझे लिटरली कभी कभी ऐसे लगता है कि जब अपनी शादी होगी ना ऐसे होगा, बस सिंपल रखना है, कुछ भी नहीं करना है. अच्छा वैसे मैं एक और बात भी सोच रही हूँ. मोमिना जिसकी दुल्हन बनोगी, क्या वो कहीं एग्जिस्ट करता है अभी? क्या वो स्टोरी में आ चुका है या नहीं? अभी उसको ढूंढना है. अल्लाह मियाँ ढूंढ के भेज देंगे. जो इंसान का बच्चा होगा मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, खुद ही आ जाएगा. सही बात है. ढूंढना ढूंढना क्या होता है, अल्लाह ने लिखा हुआ है. इतनी खूबसूरत हो, इतने लड़के अप्रोच करते होंगे, शादी के भी बहुत प्रपोजल्स आते होंगे, तो क्या चीज़ है जिसकी वजह से अभी तक डिसाइड नहीं किया या लड़के पसंद ही नहीं आते जल्दी मोमिना को? ऐसा नहीं है, कोई आ जाए तो वो इंसान का बच्चा नहीं निकलता फिर. अब क्या करें ना, तो फिर अब ऐसे थोड़ी होता है उसी से शादी कर लो. ऐसे नहीं होता है. मुझे ऐसे लगता है कि दो खानदानों की बात होती है और हर रिश्ते में ना दोस्ती एक अलग चीज़ होती है. एक रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है. और स्पेशल मैं ये नहीं कहती कि औरतों को ज़्यादा रिस्पेक्ट दो, आदमियों को मत दो, लेकिन एटलीस्ट इक्वली एक रिलेशनशिप मियाँ बीवी का अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत रिश्ता बनाया हुआ है, तो उसमें इज्जत सबसे पहली शर्त है. पैसा दौलत चीज़ें आती जाती रहती है. ठीक है आजकल लोग मटेरियलिस्टिक भी हैं, समटाइम्स मैं भी हो जाती हूँ कि भाई इतनी मेहनत की है जिंदगी गुजारने के लिए, कुछ आसाइशें तो जरूरी है ना. बिल्कुल सही. लेकिन रिस्पेक्ट के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता. इज्जत जब की बात करती हैं तो मतलब क्या, आपके लिए खाना बनाए वो, क्या करे वो, मतलब है? सर एक होता है जब आपकी औरत है ना, और अगर वो काम कर रही है, आपको पता है कि आप एक ऐसी औरत से शादी करने लगे हैं जो इंडिपेंडेंट वर्किंग वुमन, तो आप उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट नहीं कर सकते. और शौहर एक ऐसी चीज होता है कि अगर अगर आपको अच्छी बीवी मिल जाए ना, मेरे जैसी मेरे जैसी आपको अच्छी चीज मिल जाए, पर किस्मत वाला ही होगा. मैं कहती हूँ कि आप तो देख देख के मर जाए. बड़ी सख्त डिमांड है बहुत ज्यादा. ये मतलब ये तो ना करने वाली बात है. ये एक बहुत खूबसूरत बात है कि जिनसे मोहब्बत होती है ना उनको तकलीफ तो दे ही नहीं सकते. तो अगर वो तकलीफ दे रहा है तो वो मोहब्बत नहीं है. जिनकी भी बीवियां हैं या ख्वातीन हैं, आई थिंक उसकी इसलिए रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो अपना घर छोड़ के जाती हैं. इससे बड़ी सेक्रीफाइस कोई औरत नहीं कर सकती. बिल्कुल सही. बड़ी बात जी. नेक्स्ट पिक्चर. नेक्स्ट पिक्चर. ये दोनों में से उकाब कौन से वाला है? वो वाला. चले जी नेक्स्ट. नेक्स्ट पिक्चर. ये कहाँ की है जी? न्यूयॉर्क. टाइम्स स्क्वायर. न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर. चलो जी नेक्स्ट. दुबई की. ये लंदन की. लंदन आइस. ठंड लग रही थी ज्यादा. बहुत बहुत सर्दी थी उस रात को और हम लोग वहां गए. तो वैसे गले का ख्याल करते हैं वैसे अगर सर्दी हो गर्मी हो? इसलिए पूरी क्योंकि इसके एक दिन बाद मेरी परफॉर्मेंस थी, तो हम लोग रात को कॉफ़ी पीने निकले बाहर, तो ठंड बहुत ज़्यादा थी, हवा अच्छा। बहुत तेज़ थी. फिर मैंने गला कवर, मैंने कहा कल शो करना तो ये सब कुछ अच्छा है. ये वेरी गुड है. माशाल्लाह से हमने आपकी पिक्चर्स देखी. और ये उस वक्त की तस्वीर है जब कॉफ़ी का ऑर्डर दिया और उसको कह रहे हैं दो ले आई. ऑडियंस के सवाल हैं हमारे मेहमानों के लिए, तो मोस्ट वेलकम टू आस्क. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आज तक नदीम भाई हमें ऐसी कोई नहीं मिली जिसने बोला हो
कि गड्डी तू मंगा ले तेल मैं पवा दी तू कि लग गई आप दुआ करें आपको भी मिल जाएगी उसके लिए थोड़ी सेहत बनानी पड़ेगी यार खानदानी कमजोर है असी तो कसम चुकी दा सिरप लिए तो तेरे वर्गी विच प्लास्टिक दी चम्मच निकल गई जी अगला सवाल किसका है जिसने जुगत खानी है वही माइक उसको दें अस्सलाम वालेकुम मोमना मैडम वालेकुम सलाम जीवन साथी में क्या खूबियां होनी चाहिए बता दे शायद वो खूबियां मुझ में हों भाई अल्लाह आपकी नसीब अच्छे करे आपको मेरे से अच्छी दे देगा जी अगला सवाल किसका है मोमना आपका आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें आप बहुत रो रही हैं आप मैं पूछ रहा था किसके लिए रो रही हैं कुछ पता लगे मुझे आज मैं इत्तेफाक से आप सामने आई गई हैं मैं क्या पूछ लूँ आप किसके किसने आपका दिल तोड़ा है किसके लिए रो रही हैं सर मुझे रोने के बहुत पैसे मिलते हैं इसलिए मैं रो देती हूँ सर जी मुझे पक्का यकीन था कि आप जरूर सवाल करेंगे क्योंकि तुहाडे सिर ते कोई जिम्मेदारी नहीं रही चलें जी ऑन दैट नोट एक जल्दी से ब्रेक लेते हैं और जल्दी से वापस आएंगे वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक बहुत शुक्रिया आप सबका और हमारे मेहमानों का ठाकुर साहब ये जैसे कि क्रिकेटर के लिए स्ट्रगलिंग पीरियड होता है और फिर आप ऊपर की तरफ आपकी परवाज होती है आपका स्ट्रगलिंग पीरियड कितना स्ट्रगलिंग पीरियड था जी वो थे कोई 11 से 12 साल 11 से 12 जी सर तो रगड़ा मिला लाइफ में बड़ा मज़ेदार रगड़ा मिला सर अगर वो रगड़ा मेरी जिंदगी में ना होता तो मैं आपके सामने आज ना बैठा होता अच्छा सर जब रगड़ा मिलता है जी सर तो ईगो इश्यूज भी कई दफा आ जाते हैं होते हैं बहुत सारे तो उसको अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से ग्रेटनेस पाने के लिए ईगोज को थोड़ा सा साइड पे करना पड़ता है क्योंकि जो मंजिल है उसकी तरफ गामजन होते हैं ना आप देखिए सर जितनी भी मुश्किलात आएंगी ना उतनी आगे सहूलतें आनी होती हैं ये तय होता है बेसिकली बात है सब्र और एक बात जो है इनल्लाह मा साबरीन अल्लाह फिर आपके साथ साथ चलता है सर सब्र करना पड़ता यस अगर आपको कुछ बनना है तो आपको मेरे ना एक टीचर थे वो अक्सर कहा करते थे कि जो शख्स दुनिया में आया और बगैर नाम पैदा किए हुए मर गया तो समझो मर गया बिल्कुल दरुस्त मैं मरना नहीं चाहता था ऐसा लग रहा है कि डेस्परेशन जो होती है ना वो कई दफा बड़ी अच्छी होती है हाँ जी वो बड़ा क्योंकि वो आपको पुश ज्यादा करती है यस तो आप भी कहा आदाब और खैर और ईद मुबारक खैर मुबारक जी आदाब बजा लाते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे प्यारे चेहरे आए हुए हैं इधर आ जाइए भाई कैसी हो आज तो मेरी जैसी दाढ़ी लगा के पिछले 30 साल से मैं आपको मिलने के लिए तरस रहा हूँ आए है ये मोहब्बत है आपकी पिछले 30 साल मैंने आपकी ताश पे तस्वीर देखी है अगर आपने हम पे हमला आते ही किया है तो हम भी आपसे एक बात पूछते हैं ये बताइए कि परसों आप बेहोश होके क्यों गिर गए थे हाँ जब नेवले और चूहे की लड़ाई हो रही थी आपका बीपी लो हो गया वो जाहिर है कजनों की लड़ाई हो रही है तो बंदा परेशान माशाल्लाह नदीम अब्बास लूने वाला वैसे आपके घर जब खाना बनता होगा तो नमक तो नहीं डालते होंगे नहीं क्योंकि सब लूने वाला है इसीलिए क्या बात है जी हमारे नमक के बागात है वाह वाह नमक के बागात क्या बात है मैं भी बहुत बड़ा एक्सपोर्टर हूँ हम बिजली एक्सपोर्ट करते हैं सारे सेल हम जमीन में उगाते हैं वैसे नदीम अब्बास साहब क्या माशाल्लाह प्यारी आंखें हैं क्या खूबसूरत चेहरा है पर्सनैलिटी है कितनी लड़कियों की नजर आपको लगती होगी वैसे एक आप हैं और एक हम हैं बचपन में हमारी अम्मा जान ने ऐसी हमारी खतरनाक नजर उतारी कि किसी लड़की की नजर अभी तक नहीं पड़ी बड़ी बैड लक हुई आपके साथ बहुत ज्यादा भाई हम उदास वैसे आपको करंट तो नहीं लगा बालों पे आपको कभी पहले हमने ऐसे बालों में देखा नहीं आज ईद का दिन है और सब बड़े बच्चों को ईदी दे रहे हैं तो मुझे और मोमिना को ईदी दे दे आप लोगों पे मैं शेर कहना चाहूंगा इरशाद इरशाद उसके बाद ईदी देंगे एक दो जी एक दो जी तुम दोनों मुझे ईदी दो क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ ईद का शो चल रहा है हाँ जी जो सुरमा बेचना है बेचे और निकलने वाली क्या बात माइक
कहता हूँ, एक जीरक आदमी ही ये पहचान सकता है, पार्ट टाइम में फकियां बेचता हूँ, भाजन लेनी है? अच्छा, ये जो आपकी फकियां है ना, हाँ जी, इसमें कई फिकियां हैं। अरे बहुत शुक्रिया पजीराई का, बहुत शुक्रिया। वो आपको बुलाने भी आ गया आपका बेटा। नजमा में आया, नजमा मत जाना, मैं आ रहा हूँ, रुको। चले जी, रिक्वेस्ट करेंगे सर आपको कि कुछ जाते जाते कुछ नगमा सराई हो जाए, जो आपका फेवरेट गाना है। ये जो हमारे म्यूजिशियन नहीं बैठे जी, ये पाकिस्तान के नामवर म्यूजिशियन हैं जो आपके इस शो में बैठे हैं, इनके लिए एक क्लैप। जी, इससे ज्यादा जबरदस्त एंडिंग हो नहीं सकती, सुरीली एंडिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स बीन अ कंप्लीट ऑनर सर, आपने यहाँ पे शिरकत की और हमारे इस ईद शो को चार चांद लगाए। सेम हमारी तरफ से भी यही है, क्योंकि आप हमारे हीरो हैं। मेहरबानी सर, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो उम्मीद है कि आपको शो पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय, गुड नाइट।